हाय दोस्तों, देखिए ये पराठा पैन है, ये पूरी तरह से जल चुका है। इसको हम पूरा कंप्लीट दिखाएंगे आपको। इसको खोल लेते हैं, पहले खोल के देखते हैं कितना जला हुआ है। देखिए ये पूरी तरह से इसका कॉइल है ना, जल चुका है। इसको खोल के निकालते हैं फटाफट। इसको खोलते हैं पहले। इसको भी निकालेंगे। इसको यार्ड में लगा के कीले की मदद से इसको चारों तरफ से ठोकेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। देखिए निकल आया ये। देखिए ये पूरी तरह से जल चुका है ये। इसकी जगह पे हम दूसरा डालेंगे। मार्केट में मिल जाता है भरा भरा या पूरा कंप्लीट, भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भर नहीं पाते हैं तो मार्केट से 250 रुपये में मिल जाता है ये इसी तरह का पूरा कंप्लीट। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हम लेके आए हैं 250 रुपये में मार्केट से। जो लोग भर नहीं पाते हैं तो ये मार्केट से 250 रुपये में ख़रीद के इसको चेंज कर सकते हैं। बड़े आराम से 10-15 मिनट में चेंज हो जाएगा ये। इसको हम उसकी जगह पे फिट करेंगे। बड़े आराम से फिट करें, सावधानी से, कहीं इधर उधर की वायर न कटने न पाए। बराबर से फिट करें, देख लें कि एक ही साइज का है, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। पहले साइज देख लें फिर लगाएं। कैसे छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये बराबर फिट नहीं होगा, इसलिए एक ही साइज का होना चाहिए। मार्केट से लाएं तो देख के लाएं। इसको बराबर से चारों तरफ से ठोक के हम इसको सेट करेंगे। आराम से चारों तरफ से ठोक के इसको सेट करेंगे। ये आराम से सेट हो जाएगा। धीरे धीरे ठोकें इसको, वायर न करने पाए। ध्यान दे के इसको बराबर से ठोकें। ठोकने के बाद इसको नाप लें, कहीं ये छोटा बड़ा तो नहीं है, कहीं किसी तरफ ज़्यादा भी हो सकता है, किसी तरफ कम भी हो सकता है। इसलिए पेचकस से बराबर से देख लें इसको, खांचे में डाल के चारों तरफ से कि बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है। जिस तरफ ना बराबर बैठा हो उस तरफ बराबर बैठा के इसको बैठाएं, जल्दबाजी ना करें। अगर बराबर नहीं बैठेगा तो हमारा राट है ना तो वो फंसेगा, इसलिए बड़े आराम से चारों तरफ से बराबर करके इसको बिठाएं। अब हम इसमें ये बैरिंग साफ करके लगाएंगे। देख ले बैरिंग वैरिंग कहीं टूटा उटा तो नहीं है, अगर टूटा हो तो चेंज कर दें, जाम हो तो उसमें ग्रीसिंग कर दें। साफ सफाई करके इसको लगाएं। फ्री घूमना चाहिए, मतलब अच्छे से साफ कर दें इसको। साफ करके इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल डाल के इसको लगाएंगे। देखिए बैरिंग हमारा फ्री घूम रहा है, हम इसको बराबर से बिठा देंगे। बड़े आराम से बिठाएं, कहीं क्योंकि अगल बगल अगर घिस गया, कहीं वायर वायर कट गया तो ये पंखा ख़राब हो सकता है, इसलिए बड़ा आराम से बिठाएं।
कोई जल्दबाजी ना करें, बड़े आराम से इसको लगाएं। देखिए बराबर से हमारा ये बैठ गया है, देखिए फ्री घूम रहा है। इसको चेक कर लें फिर तभी इसको बैठाएं आराम से। अब इसका पीछे का कवर लगाएंगे। जिस तरह से खोले उसी तरह से फिट करें, कहीं उल्टा सीधा ना फिट करें। जब खोलते समय निशान बना लें, जिस तरफ का हो उसी तरफ का सेट करें, तब ये बराबर चलेगा, नहीं तो जाम पकड़ेगा ये। अब इसमें नट लगाएंगे। नट लगा के बराबर कस देंगे इसको। इसको घुमा के देख लें कहीं फंस तो नहीं रहा है, तब कसें। इसको आराम से फिट करें, कोई जल्दबाजी ना करें। देख लें फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर फ्री ना हो तो ठोंक के भी उसको फ्री किया जा सकता है। जब बराबर से बैठ जाएगा तो फ्री घूमेगा, अगर बराबर से नहीं बैठेगा तो ये फ्री नहीं घूमेगा, फंसेगा इसे। देख लें घुमा के इस तरह से, देखिए फ्री घूम रहा है ये। अब इसको इसकी वायरिंग करेंगे। इसमें देखिए तीन वायर निकले हुए हैं। अब इसको हम जब टाइम होगा तो इसको भर के कंप्लीट करेंगे। इसका वीडियो, अगला वीडियो हम बनाएंगे जब भरेंगे इसको, भर के आपको बताएंगे कि कैसे भरा जाता है। इसको भर के रख लेंगे तो कोई दूसरा पंखा आएगा तो उसमें डाल देंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और समय भी नहीं लगेगा। इसको हम वायर चेक करेंगे मीटर से। कंटिन्यूटी के रेंज में रखेंगे। ये लाल वाला वायर है ना, तो ये मेन वायर होता है। इसमें दो वायर का कनेक्शन होता है लाल वाले में। वो तार को छील लेंगे हम, छील के चेक करेंगे कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। बारी बारी से मीटर लगा के चेक करेंगे। देखिए 145 बता रहा है इसमें, इसमें 170 बता रहा है, ठीक है। इसमें 312 बता रहा है, ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब इसको हम सेट करेंगे कंडेंसर लगा के। देखिए एक वायर हम यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर इसमें लगाएंगे। कंडेंसर के दो तार इसमें लगा देंगे और एक वायर में लाइट का लगा देंगे कंडेंसर में, इससे एक पावर की सप्लाई होगी। और एक तार में इसमें लगा देंगे लाल वाले वायर में, ये पावर की तार है। एक तार इसमें लगा दिया, दो और एक तार कंडेंसर में लगा दिया और एक तार कंडेंसर का वो मोटर में चला गया। देखिए पूरा इस तरह से कनेक्शन करें। अगर उल्टा घूम रहा है तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये पीले वाली की जगह में ये लगा सकते हैं लाइट वाला तार खोल के,
जो नीले में हमने लगाया है उसको हम पीले में लगा देंगे तो सीधा घूमने लगेगा, अगर उल्टा घूम रहा है, अगर सही घूम रहा है तो ऐसे रहने दें। इसको टेप लगा देंगे, अच्छे से टेप लगा दें, कहीं कोई वायर न खुला रहने पाए जिससे खतरा हो सकता है। अच्छे से लगा दें, लाल वाले वायर में भी टेप मार दें। चेक कर लें कहीं बॉडी में तो नहीं टच हो रहा है वायर, देख लें नहीं तो करंट लग सकता है, लापरवाही न करें, सही से चेक करके लगाएं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेप लगा देंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर तरह के वीडियो लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। इसको अच्छे से लगा के फिट करें, कहीं कोई वायर ना कटा फिटा हो देख लें, ध्यान से ध्यान पूर्वक लगाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से लगाएं, कनेक्शन देख लें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसी तरह से लगाएं कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलेगा पंखा। इसको आराम से फिट कर दें, एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको फिट करेंगे इसमें हम, इसको लगा देंगे। इस तरह से बड़े आराम से आप घर बैठे पंखा रिपेयर कर सकते हैं, भरने की भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट से मिल जाता है भरा भराया पूरा कंप्लीट। आप खाली चेंज कर दें, जिस तरह से खोलें उसी तरह से सेट कर देंगे तो बड़े आराम से ये फिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेट करने में। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ये, अब इसको सेट कर देंगे जैसे खोला था ना उसी तरह से सेट कर देंगे, बड़े आराम से ये सेट हो जाएगा। इसको घुमा के देख लें, फ्री घूम रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्री घूमना चाहिए, फ्री नहीं घूमेगा तो ये जाम पकड़ेगा, चलेगा नहीं। अब इसमें हम सेट कर देंगे इसको बराबर से बिठा के, बड़े आराम से इसको फिट कर देंगे। देखिए कस गया है ये आराम से, टाइट कर दें कि ये खुलने ना पाए, अच्छे से टाइट करें, कोई जल्दबाजी ना करें, अच्छे से टाइट करें। अब इसकी जाली लगा दें, इसकी जाली लगाएंगे हम,
इसको खोल के आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। अब इसकी हम जाली लगाएंगे। इसकी जाली देखिए, इसमें तीन नट होते हैं, तीनों नट लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करें, नहीं तो इसकी पंखुड़ी है ना फंसेगी। अगर सही से नहीं ये टाइट हुए, अगर सही से नहीं लगा होगा ना तो ये हिलेगा, लूज मारेगा, पंखी में चलेगी ना तो उसमें फंसेगा। इसलिए अच्छे से इसको टाइट करें। इसकी अब पंखुड़ी हम लगाएंगे। नीचे से जगह होती है, हाथ डाल के इसको अब खाँचे के सीध में बिठा के, इसमें नट लगा होता है उसी के सीध में इस नट को कस दें। इसको पकड़ के पेचकस की मदद से इसको टाइट करेंगे। अच्छे से टाइट करें, नहीं अगर ढीला रहेगा तो ये खुल के इसमें टूट जाएगा। इसलिए बड़े आराम से इसको टाइट करें कि ये ढीला ना रहने पाए। इसको पकड़ लें आराम से, पकड़ के फिर टाइट करें। ढीला नहीं रहना चाहिए। इसको चेक करेंगे चला के लाइट में।